यूपी में शुरू हुआ ऑपरेशन की सुबह 6:30 बजे अधिकारियों ने खटखटाया नेताजी का गेट तो दिखाया भौकाल। एसएसबी के जवान ने लगाई चलान और खोल दी दरवाजे की कुंडी। नेताजी मिलाते रहे फोन पर किसी ने कुछ नहीं सुना। अजय देवगन की अंदाज में टीम ने मारा छापा, 5,000 करोड़ का खुला खेल। स्पेशल 42 के सामने गिड़गड़ाए नेताजी। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है और किसी को कोई भनक नहीं। नेताजी बार बार बड़े बड़े लोगों को फोन मिला रहे हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये रेड बिल्कुल अजय देवगन की रेड फिल्म की स्टाइल में हो रही है और इसकी कहानी भी वैसे ही शुरू होती है। मंगलवार की सुबह दिल्ली, लखनऊ और आगरा में एक साथ फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, अपने तेज सरार अधिकारी लखनऊ भेज दीजिए। इनकम टैक्स ऑफिस लखनऊ में 65 अधिकारियों के पहुंचते ही 10 टीमें बनी, जिसमें से 5 टीम लखनऊ दिल्ली हाईवे की ओर और 5 टीम सीतापुर की ओर भेजी गई। किसी को कुछ पता नहीं था कहां जाना है, क्या करना है, बस इतना पता था बड़ा खेल खुलने वाला है। अजय देवगन की रेड मूवी की तरह अचानक से ड्राइवर को कहा गया, दिल्ली हाईवे से होते हुए गाड़ी रामपुर ले लो, जबकि एक टीम सीतापुर और उसके आसपास के जिलों में पहुंच गई। सुबह के 6:30 बजे जब रामपुर में अधिकारी गाड़ी से उतरे तो कहा गया हम ऑपरेशन डी के तहत सपा नेता आजम खान के घर पर छापा मारने वाले हैं। कई अधिकारी सकते में आए पर ड्यूटी तो ड्यूटी है। सीधा आजम खान के घर का गेट खटखटाया और उसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का दूसरा पार्ट है। दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आई, गेट अभी नहीं खुलेगा। आखिर में ऑफिसर ने आदेश दिया, एसएसबी का जवान बाउंड्री पर चढ़ा, दूसरी ओर छलांग लगाई और दरवाजे की कुंडी खोल दी। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में 42 लोगों की टीम आजम खान के महल में दाखिल हो गई, लेकिन जैसे ही अंदर जाती आजम खान ने रोक दिया, कहा कागज दिखाओ, कहां चले आ रहे हो। पूर्व मंत्री वाला ड्रॉप दिखाया पर ऑफिसर ने ये कहकर शांत कर दिया कि हमें अपना काम करने दीजिए। आखिर में घर की तलाशी शुरू हुई, कभी घर की दीवार तो कभी बाथरूम की टाइल्स और कभी फाइल्स, लगातार आयकर विभाग के अधिकारी पढ़ते रहे। आजम खान वहीं बैठे सब कुछ देखते रहे। जब इनसे नहीं रहा गया तो आयकर वालों से कहा, मेरी आय का एकमात्र सोर्स भैंस की डेयरी है, उससे 20,000 रुपए आता है और उसी से घर चलता है। तो सवाल है कि आजम खान के पास 5,000 करोड़ कहां से आए। सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री भी रहे हैं तो क्या उसका पेंशन उन्हें नहीं मिलता। आजम खान का कहना है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, पर आयकर विभाग के अधिकारी इस बार 3 दिनों से ये खंगालने में जुटे हैं कि इनके पास 5,000 करोड़ कहां से आए। जिस साल नोटबंदी हुई उस साल आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को 222 करोड़ रुपए दान में मिले थे। इसकी भी जांच चल रही है कि क्या वो काला धन था। अब तक जांच में जो फाइल आयकर विभाग के हाथ लगी है उससे पता चला है जौहर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट था, उसके बावजूद उसमें सरकारी विभाग का 150 करोड़ रुपए लगा है जो जनता का पैसा था। जब आजम खान मंत्री थे तब कैबिनेट में कोई प्रस्ताव कॉलेज या दूसरे काम के लिए पास होता उसे आजम जौहर यूनिवर्सिटी में बनवा देते। आजम खान का सबसे खास आदमी सहारनपुर का दीपक गोयल है, जिसके घर पहले से ही टीम पहुंची हुई है। शक है कि यूनिवर्सिटी में कालाधन लगा है। आयकर विभाग के अधिकारी लगातार आजम खान से सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके बीच उन्हें 5 टाइम नमाज पढ़ने और आराम करने का समय भी दे रहे हैं। बावजूद उसके आजम खान का कहना है कि बिजली विभाग वालों ने हमारे लिए अलग फीडर लगाया हुआ है, कभी भी बिजली काट देते हैं। नाली में गंदगी भर जाती है पर नगर निगम वाले सफाई के लिए नहीं आते, जिंदगी नरक बन गई है। लेकिन सवाल है कि आजम खान के खिलाफ क्या सच में बदले की कार्रवाई हो रही है या फिर उनका ये बोया हुआ है जो आज भुगतना पड़ रहा है। आखिर इतना पैसा जमा ही क्यों करना कि अधिकारियों को जवाब भी ना दे पाए कि पैसा कहां से आया और कहां गया। मंत्री रहते हुए अगर आजम खान ने गलत काम नहीं किए होते तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते।